हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की जैव मंडली जो बायोडायवर्सिटी होती हैं, जैव मंडल संरक्षित जो क्षेत्र होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, वो भारत में कितनी हैं। तो भारत में 18 जैव मंडली आरक्षित क्षेत्र हैं। आपने SSC CGL का पेपर, SSC CHSL का पेपर देखा होगा, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कौन सा इसमें जैव मंडल आरक्षित जो क्षेत्र है वो है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं और आपको क्या होता है, फिर दिक्कत होती है, तो उसी को हम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हमने इस वीडियो को बनाया है। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, तभी मज़ा आएगा। तो 1986 में पहला जो बनता है वो नीलगिरी बनता है। कौन सा बनता है? 1986 में पहला जो बनता है वो नीलगिरी बनता है। नीलगिरी को देखो, जैव मंडली क्षेत्र किसे सुरक्षित या संरक्षित किया जाता है, तो वो कौन से क्षेत्र होते हैं? तो जैव मंडल जो आरक्षित क्षेत्र होते हैं उसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे जहाँ पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, तो उनको संरक्षित रखने के लिए उन्हें क्या होता है, उन्हें बायोडायवर्सिटी या जैव मंडली क्षेत्र आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है सरकार के द्वारा। तो 1986 में नीलगिरी को घोषित किया गया था। और नीलगिरी जो पाया जाता है ये आपके तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? 1986 में नीलगिरी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में पाया जाता है। उसके बाद में 1988 का समय आता है, नंदा देवी जो होती वो उत्तराखंड की पर्वत श्रृंखला जो चोटी होती उसको क्या हो जाता है, उसे वन क्या होता है, उसे जैव मंडली क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। किसको? उत्तराखंड को 1988 में। उसके बाद में 1988 में ही नोकरेक जो होता है इसको थर्ड घोषित किया जाता है। ये थर्ड नंबर की थी। नोकरेक जो होता वो आपका मेघालय का होता है। कहाँ का होता? मेघालय का होता है। उसके बाद में 1989 में जो है, 1989 में ये मन्नार की खाड़ी जो होती ये तमिलनाडु में होती, इसे क्या किया जाता है, इसको घोषित किया जाता है। क्या किया जाता है? इसे जैव मंडली आरक्षित क्षेत्र का दर्जा दिया जाता है। उसके बाद में अगला जो है वो पांचवा जो है 1989 में फिर सुंदरवन को, सुंदरवन का जो डेल्टा होता है पश्चिम बंगाल में, उसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का दर्जा दिया जाता है। उसके बाद में अगला जो है 1989 में असम को, किसको? मानस का जो मानस अभयारण्य जो होता है असम का, उसे क्या है, उसे जैव मंडली आरक्षित क्षेत्र की घोषित किया जाता है। उसके बाद में 1989 में ही ग्रेट निकोबार जो होता है अंडमान निकोबार में पड़ता है, इसे क्या है, इसे वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया जाता है। क्या किया जाता है? वन्य जीव अभ्यारण्य जो है इसे घोषित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में अगला जो है 1994 में सिमलीपाल जो ओडिशा का होता है, सिमलीपाल ओडिशा का राष्ट्रीय उद्यान होता है, इसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है। किसको? सिमलीपाल को घोषित किया जाता है। उसके बाद में 1997 में किसे घोषित किया जाता है? वो डिब्रू सैखोवा को, असम का जो होता है राष्ट्रीय उद्यान डिब्रू सैखोवा जो होता है उसे क्या, उसे घोषित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में 1999 में दिहंग और दिबांग जो होता है ये अरुणाचल प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान होता है, उसे जैव मंडली क्षेत्र घोषित किया जाता है। क्या किया जाता है? जैव मंडली क्षेत्र 1999 में घोषित किया जाता है। उसके बाद में 1999 में ही पंचमढ़ी जो मध्य प्रदेश का जो हिल स्टेशन, पंचमढ़ी जो होता है हिल स्टेशन जो होता है वो हिल स्टेशन ही है, वो मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी जो होता है वो उसको घोषित किया जाता है 1999 में। जबकि 2000 में कंचनजंगा को, सिक्किम का जो होता है, कंचनजंगा सिक्किम का नेशनल पार्क भी है, तो उसे क्या किया जाता है, उसे जैव मंडली क्षेत्र घोषित किया जाता है। उसके बाद में अगला जो है 2001 में अगस्त्यमलाई जो है, ये जो पर्वत श्रृंखला जो होती है ये आपके तमिलनाडु और केरल में पड़ती है, इसे क्या किया जाता है, इसे घोषित किया जाता है, इसे घोषित किया जाता है। उसके बाद में जब 2005 की बात आती है, अचानकमार जो अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में होती हैं और ये छत्तीसगढ़ दोनों में पड़ती हैं, इन्हें घोषित किया जाता है 2005 में, ठीक है, 2005 में घोषित किया जाता है। जबकि 2008 में कच्छ का रण जो होता है ये सबसे बड़ा है, ग्रेटर ये गुजरात में पड़ता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जैव विविधता होती, तो उसे जैव मंडली संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है। जबकि 2009 में क्या होता है, कोल्ड डेजर्ट जो होता है हिमाचल प्रदेश का, उसको क्या किया जाता है, उसको संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है, ठीक है। 2010 में
शेषाचलम पहाड़ियां जो होती हैं आंध्र प्रदेश की उनको घोषित किया जाता है। किसे? शेषाचलम पहाड़ियों को आंध्र प्रदेश की उनको घोषित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नहीं सॉरी 2011 में पन्ना मध्य प्रदेश का जो होता है राष्ट्रीय उद्यान उसे क्या होता, उसे जैव मंडली संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है। ठीक है, भारत के प्रथम जैव मंडल भारत के प्रथम जैव मंडल जो आरक्षित क्षेत्र है नीलगिरी को वर्ष 2000 में यूनेस्को द्वारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। यही क्वेश्चन अभी सीजीएल में पूछा गया था। तो 2011 में मध्य प्रदेश का पन्ना जो है सबसे लास्ट का 18वां, 2010 का जो शेषाचलम है वो पहाड़ी वो आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। जबकि हिमाचल प्रदेश का कोल डेजर्ट है वो 2009 में, 2008 में आओगे तो गुजरात जाओगे, कच्छ के रण का जो होता है वो उसे घोषित किया गया। उसके बाद 2005 में अचान कमार जो अमरकंटक का होते मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उसको घोषित किया जाता। फिर 2011 में अगस्त मलाई जो तमिलनाडु का होती उसको घोषित किया जाता है। उसके बाद में 2011 में जो होता है 2000 में कंचनजंगा को घोषित किया जाता है और 2000 में ही नीलगिरी को क्या है यूनेस्को द्वारा घोषित किया जाता है। 1999 में मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी जो हिल स्टेशन उसको जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता। 1999 में ही दिहंग और दिबांग जो होता है अरुणाचल प्रदेश उसे घोषित किया जाता है। जबकि 1997 में डिब्रू सैखोवा को असम का होता उसे घोषित किया जाता है। जबकि 1994 का सिमलीपाल जो उड़ीसा का होता उसे घोषित किया जाता है। 1989 में क्या होता, ग्रेट निकोबार जो होता अंडमान निकोबार का उसे घोषित किया जाता है। और 1989 में ही असम को मानस का घोषित किया जाता और 1989 में सुंदरबन का पश्चिम बंगाल को भी घोषित किया जाता और 1989 को मन्नार की खाड़ी को तमिलनाडु में है उसको और 1988 में नोकरेक मेघालय को और 1988 में ही नंदा देवी उत्तराखंड को और 1986 में नीलगिरी जो है वो तमिलनाडु केरल और कर्नाटक में पड़ती उसको घोषित किया जाता है। ठीक है, तो उसको घोषित किया जाता है। तो पहला कौन था, 1986 नीलगिरी। उसके बाद में दूसरा आप जानते नंदा देवी था। तीसरा नोकरेक था असम का। ठीक है, कहाँ का, मेघालय का था। तो लास्ट वाला कहाँ का था, तो लास्ट वाला आप जानते हैं कहाँ का था। ठीक है, और इसी के साथ में ये क्लास समाप्त होती है। आप लोगों को ये क्लास पसंद आती तो क्या करना, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।